सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो जब से ही आपका 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, मैं इस चैनल पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए, आपकी नेक्स्ट जो एडमिशन्स होने वाली हैं ग्रेजुएशन के लिए, उसके रिगार्डिंग कोई भी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँ। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आप ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करूँ, कोर्सेज की बात करूँ मैं, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर या यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्योंकि मैं ये खुद समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने अपने टाइम पे भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद में बहुत ज़्यादा फेस करी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू जो है आप सबको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कोर्सेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेनी चाहिए, क्या क्या कॉलेजेस जो हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं जिनमें आप जो है अपने कोर्सेज जो है लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में एक वीडियो जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपके जो जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आज डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हाल ही में अपने 12th क्लास का जो है वो रिज़ल्ट उनका आया है, 12th क्लास जो है क्लियर किया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं 2 से 3 चीज़ें आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वो बताना चाहूँगा कि चैनल आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू में जो आपकी कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, आपके कोर्सेज की, जिन कॉलेज को मैं आज डिस्कस करूँगा, यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूँगा, उनकी एडमिशन कब होगी, उनका क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से कोर्सेज उनमें अवेलेबल हैं, क्या क्या इसकी फ़ी रहती है, उन सब चीज़ों के बारे में जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करूँगा मैं। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के रिगार्डिंग, तो मुझे जो है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्या क्या कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं आपकी 12th क्लास के बाद। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ में ये शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वेबसाइट जम्मू यूनिवर्सिटी की है। सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे आपके यूजी के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं तो आप यूजी सेक्शन में जो है आते हैं, तो आपके यूजी के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर यूजी की बात करूं मैं, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्सेज मिलेंगे वो है बीए, LLB, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद है BBA और उसके बाद है BCom Honors, ठीक है। ये तीन कोर्स जो हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी में यूजी में आपको मिलेंगे मेन कैंपस में। आपको ये समझना होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में सिर्फ ये तीन ही कोर्सेज हैं, ठीक है। मेन कैंपस से मेरा मतलब है जहां आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कैंपस में रह के अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, या फिर आप हॉस्टल लेते हैं और उसी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, उससे हम मेन कैंपस बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी उसके एफिलिएट जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे BSc, BA, आपका BCom और हो गए, BTech हो गया, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको आउटसाइड कैंपस मिलते हैं, यानी उसके जो एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको वो कोर्सेज मिलते हैं। उन कोर्सेज की भी डिस्कशन मैं करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि तीन कोर्स अवेलेबल हैं आपके जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आपके मेन कैंपस में। इसके अलावा मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर BSc करनी है जम्मू यूनिवर्सिटी से, क्या करें, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में BSc अवेलेबल नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं उनमें BSc जो है अवेलेबल है। अगर मैं एफिलेट कॉलेजेस की बात करूं तो जम्मू के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी जम्मू प्रोवेंस की, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो आप कॉलेजेस देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देखते होंगे आप, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी, इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर, इस तरह के जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये सब जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेट कॉलेजेस हैं। इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। इनकी एडमिशन कब स्टार्ट होगी, क्या इनका प्रोसीजर रहता है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। अभी तक मैं बता दूं जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन जो है यूजी के लिए ओपन नहीं हुई है, जब भी ओपन होगी आपको मेरे ही चैनल पर सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये मैंने बात की आपके साथ में जम्मू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपकी जो सेकंड यूनिवर्सिटी आपके लिए अवेलेबल है वो है आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ी हुई क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। मैं बता दूं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई मेन कैंपस जो है अपना नहीं है, हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, इसका वो आपको मिल जाएगा कॉमर्स कॉलेज में मिल जाएगा, और आपके गांधीनगर में भी ये जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आपके जो कॉलेज आते हैं, आपने GGM साइंस कॉलेज का नाम सुना होगा, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, एफिलेट कॉलेज है। उसके बाद MAM कॉलेज, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन दिनों पूछ रहे हैं, वो कॉलेज भी आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। उसके अलावा GWC गांधीनगर आपका जो कॉलेज है, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जो गांधीनगर है, वो भी इसके अंडर आता है। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेज आपका जम्मू इसके क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है ये भी आपका कॉमर्स कॉलेज के
सॉरी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है। ये सब कॉलेज जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। इनमें कब एडमिशन शुरू होगी मैं बता दूं, अभी तक एडमिशन इनमें भी शुरू नहीं हुई है, ठीक है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू होगी, सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई भी क्लस्टर किसी भी कॉलेज की। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये अलग अलग कॉलेजेस है, MAM कॉलेज हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, कॉमर्स कॉलेज हो गया, इनकी अलग से वीडियो चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या इनकी फ़ी रहती है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उनके ऊपर भी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने भी फेस जो है अपने टाइम पे की हुई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, हालांकि अभी इसकी कोई एडमिशन जो है शुरू नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, SMVDU, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे, ठीक है। इसमें UG के लिए आपके पास में, अगर UG जनरल की बात करूँ, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक जनरल होता है, ठीक है। जनरल की बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको BTEC मिलेगी, ठीक है। BTEC आपको हर एक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस हर एक में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मेनली जो है अपने इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ज़्यादा जो है आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, इसमें आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिस्कशन एक बार कर लेता हूं मैं। आपको BSc हॉनर अगर बायोटेक्नोलॉजी में करनी है तो आपको ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको BSc हॉनर्स मैथमेटिक्स में करना है, ये अवेलेबल है। BSc हॉनर्स फिजिक्स में करना है, ये अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा BA हॉनर्स अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, ये भी अवेलेबल है। BA हॉनर्स फिलोसफी में करना चाहते हैं, ये भी अवेलेबल है। BA हॉनर्स आप MBA में करना चाहते हैं, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा BA हॉनर्स इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है। ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं UG के लिए। PG के लिए मैं बात नहीं कर रहा, PG के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। UG की अभी बात कर रहा हूं मैं, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, ठीक है, जिन्होंने अभी पास आउट किया है, तो ये सब कोर्सेज आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, वो है आपकी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, और इसमें जो BTEC के अंडर ग्रेजुएशन की बात करूं तो BTEC के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे BTEC सिविल इंजीनियरिंग, BTEC कंप्यूटर साइंस, BTEC इलेक्ट्रिशियन के लिए, और BTEC इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी IT के लिए। ये सभी कोर्सेज आपको BTEC वाले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी इजीली जो है अवेलेबल है, ठीक है। ये सब वो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं, और इनके एफिलिएट कॉलेजेस। अगर आप चाहते हैं हर एक कॉलेज की सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उस कॉलेज की एडमिशन कब स्टार्ट हो रही है, क्या प्रोसीजर है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और कोई भी आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियोज़ जो आने वाली हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ जो हैं वो आएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए कौन सी स्ट्रीम जो है ज़्यादा बेटर रहेगी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कोर्स में जो है एडमिशन लें। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, अगर यहां पे कोई PG का स्टूडेंट, क्योंकि मेरे साथ में PG वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें, जिन्होंने हाल ही में अपनी 12th क्लास जो है क्लियर की है। मैं चाहूंगा कि उन स्टूडेंट के साथ में ये वीडियो शेयर हो। मैं जानता हूं कि इन चीज़ों के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट जो है सिंपल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, कुछ जो है BTEC के लिए जो है टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो सिर्फ BA सिंपल करते हैं, BSc करते हैं, वो भी एफिलिएट कॉलेजेस में। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट रहेगी। मैं अगर आपको एक ईजी और यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो आपको इन कॉलेजेस और अगर यूनिवर्सिटीज़ में कंपैरिजन करना हो तो यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो होता है, जैसे मैंने अभी बात की कि यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आपको BA LLB मिलता है जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उसमें उनके एडमिशन मिले, क्योंकि अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का कंपेरिजन करें तो कैंपस हमेशा बेस्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। जितने भी आप डिग्री कॉलेज देखते हैं, अगर आप उनके बदले अगर किसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में अपनी एडमिशन करवाते हैं तो आपको उसके बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि मेन कैंपस जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एफिलिएट कॉलेजेस, ठीक है। इस तरह की वीडियोस जो है मैं आपके साथ में और भी शेयर करूँगा। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।